वरुण तुम यहीं रुको, मैं अभी प्लाट देख के आ रहा हूँ। ओके भैया। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सीन। भैया बचाओ, हाथ दो अपना, हाथ दो। तुम ठीक तो ना भाई? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम कौन हो भाई? देखने में तो यहाँ के नहीं लगते। हाँ भाई, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खून बह रहा है। अरे मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? किसने किया ये सब? बोल, किसने किया ये सब? जरूर तूने मेरे भाई से कुछ किया होगा ना? बोल, क्या किया तूने? बोल, क्या किया तूने? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने कुछ नहीं किया है। मेरी ही गलती थी जो मैं आपके साथ आया। इसने मेरी हेल्प की है, अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। अच्छा ठीक है, चल तू अब घर चल मेरे साथ, चल घर चल चल। छोटे मालिक, आपकी 6 महीने हो गए हैं और आपने मुझे खर्चे के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया है। क्या करेगा तू पैसों का? काम तो ठीक से करता नहीं है, चलाता है मुंह उठाकर पैसे लेने। तेरे माँ बाप के मरने के बाद तू मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा है और मैं तुझे खाना पीना कपड़े सब देता हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे पैसे मांग रहा है? रुको,
ये आप क्या कर रहे हैं और इसे मार क्यों रहे हैं? कौन हो तुम और हम दोनों के बीच में बोलने वाले होते कौन हो तुम? मैं इसका दोस्त हूँ। क्या रे, कौन सा दोस्त है ये तेरा? नहीं छोटे मालिक, ये हमारे दोस्त नहीं है। चल जा, जाके अपना काम कर। ये कोई काम नहीं करेगा। तू भाई चल मेरे साथ और आज से तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तू चल भाई। ओ भाई, ओ कहाँ चल दिया इसको लेकर? मेरे घर का काम कौन करेगा? और इस अनाथ के ऊपर मेरे पिताजी ने पता नहीं कितने पैसे खर्चे किए हैं, इसका हिसाब कौन देगा? ले लो पैसे। चल भाई, तू आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। चल भाई, इतना सोच मत। आज से हमारे साथ रहेगा। वरुण, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम ऐसे ही किसी ऐरा गैरो को अपने साथ कैसे रख सकते हैं? तुम जानते ही क्या उसके बारे में? ये कौन है, इसके माँ बाप कौन है? नहीं भैया, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बिल्कुल अकेला है, मेरे जैसा। फिर भी वरुण। नहीं भैया, मैंने बोल दिया ना, अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। और अगर ये यहाँ नहीं रुका तो मैं भी नहीं रुकूंगा यहाँ। अच्छा ठीक है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। अंधा है, शराब पी के बाइक चला रहा है? नहीं भाई। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूं। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर इसने मेरी बाइक तोड़ दी और शराब पी के बाइक चलाता है। पकड़िए इसे। क्यों रे, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है? चल थाने, वही तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। चलो चल, बैठ गाड़ी में। अबे उतर, चल गाड़ी में बैठ। बैठ गाड़ी में। मुझे तो अपनी दिल की जेल में बंद करूंगा मेरे भाई। लगता है आज पैदल ही घर जाना पड़ेगा।
भाई भाई आ। अरे मैडम कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? कहा था हम छाड़ दें। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम गुस्सा क्यों हो रहे हो, एक बार हमें भी तो मौका दो। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। सुनो कहाँ चले गए थे तुम, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं और ये मुझसे इस तरह बात कर रही है। सॉरी मुझे माफ करना, एक्चुअली मेरे पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, तभी मुझे आप दिख गए, इसीलिए मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे आप कहाँ जा रही हो, अगर आप कहो तो मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, वैसे भी आप अकेली हो और इस टाइम आपको टैक्सी भी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ घर तक। अच्छा सुनो आपका नाम क्या है? विपिन। okay. आप मेरा नाम नहीं पूछोगे? हाँ बताइए आपका नाम क्या है? हेमा। आप कल फ्री हैं? हाँ। तो आप मुझे कल भी ड्रॉप कर देंगे? थैंक यू। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है मोहब्बत की। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच? या मजाक कर रहे हो तुम? नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर बोलने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा बेटा अकेले अकेले घूम आया, मुझे क्यों नहीं ले गया? अरे यार तू बिजी था ना इसीलिए मैंने तुझसे नहीं कहा। अच्छा वो सब छोड़, मुझे एक बात बतानी है तुझसे। हाँ भाई बोल। भाई मेरी शादी तय हो गई है। अरे क्या बात बताई है यार तूने, मैं तो तेरी शादी में बहुत मजे करूंगा यार। हाँ यार तू ही तो है एक अपना। अच्छा मेरी होने वाली भाभी की फोटो नहीं दिखाएगा? हाँ भाई। क्या हुआ भाई तेरा चेहरा क्यों उतर गया, लड़की अच्छी नहीं है क्या? नहीं भाई लड़की तो बहुत अच्छी है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी।
क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट आ गई? जी आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ है बताइए। आपको ब्लड कैंसर है। और अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर साहब कुछ करिए ना, मैं भी जीना चाहता हूँ। देखिए अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज लास्ट स्टेज, बट मैं आपको कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ और ये दवाई ले लेना, शायद आपकी जिंदगी के कुछ दिन और बढ़ जाएं। काम बताओ अपना, क्यों बुलाया मुझे? ओके बताती हूँ। मुझे तुमसे ये कहना है कि पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है और मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ भाग चलें? मुझे नहीं पता, बस मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। तुम पागल मत बनो, मैं कहीं नहीं भागने वाला। ओके क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तो सिर्फ एक दिखावा था। तुम बहुत धोखेबाज हो, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, तड़प तड़प के मरोगे तुम। कह रही है वफा, सांसें हैं बेवजह जो ना। हेलो। हेलो। हाय माँ, कहाँ हो? घर पर हूँ। मैं तुम्हें आज अपने भाई से मिलवाना चाहता हूँ। भाई? कौन भाई? है मेरा एक भाई जो मेरे लिए सब कुछ है और मैं बिना उसकी पसंद के तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ मैं तुम्हारा गैरेज रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ। ओके। चल भाई, तुझे आज तेरे होने वाली भाभी से मिलवा के लाता हूँ। मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, जाओ तुम ही लाओ जाके। ये क्या कर रहा है तू, और क्यों नहीं चलेगा मेरे साथ? बस ऐसे ही, और आज मेरा मन नहीं हो रहा कहीं जाने का। क्यों, क्या हुआ तुझे, और तू इतना रूडली बात क्यों कर रहा है? कुछ नहीं हुआ यार मुझे। तूने पहले तो कभी ऐसे नहीं बात की, अचानक से तुझे क्या हो गया है? मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बता रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ यहाँ रहते रहते, मैं सबसे दूर जाना चाहता हूँ, अपने गांव जाना चाहता हूँ मैं। क्या तू मुझसे दूर जाना चाहता है और तू मुझसे परेशान हो गया है? हाँ, मेरी दोस्ती और मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या जो तू मुझे ये सब बोल रहा है? मैंने कपड़े और पैसों से लेकर पता नहीं तेरी कितनी केयर की और मुझे आज ये सब सुनने को मिल रहा है। तो भाई मैंने कभी तुझसे इन कपड़ों और पैसों की भीख नहीं मांगी, बल्कि मैं खुद ही सबके लिए मना करता था, लेकिन तू खुद जबरदस्ती मुझे रोज रोज नए कपड़े और पैसे देता है। तो तू यार मेरा भाई है ना, इसीलिए मैं तुझे कोई कमी महसूस नहीं होने देता हूँ। देख यार अब तू मुझे बार बार भाई मत बोल, मैं किसी का भाई वही नहीं हूँ। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने गाँव हमेशा हमेशा के लिए। जब तूने मुझसे अलग होने का फैसला ले ही लिया है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं।
मैं कभी तेरे बिना अकेले बाहर घूमने नहीं गया हूँ, और मैं हेमा से मिलने भी अकेले नहीं जाऊँगा। क्या तू आखिरी बार मेरे साथ मेरा पहला वाला दोस्त बनकर चल सकता है? प्लीज। ठीक है। अरे हेमा, तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ। वरुण, ये तुम्हारा भाई है? हाँ, ये मेरा भाई है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये तुम्हारा भाई है। इतना बदतमीज, मक्कार और धोखेबाज है ये। हेमा, ये क्या बोल रही हो तुम? माना कि हमारी शादी हो रही है, पर तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे भाई को ये सब बोलने का। क्यों ना बोलूं मैं? ये धोखेबाज लड़कियों को फंसा कर उनके साथ टाइम पास करता है। सॉरी वरुण, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। सुनो हेमा, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा दोस्त तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ऐसा मत करो प्लीज। माय फुट, यू ऑल गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। क्या हुआ भाई तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ भाई? क्या हुआ तुझे? डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरे भाई को क्या हो गया है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ओके ओके, देखता हूँ। इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और इसकी काफी सारी जांचें होंगी। आपको जो करना है करिए, आप बस मेरे भाई की जान बचा दीजिए। ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। वरुण, आपके भाई को तो ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे है। नहीं, मैं सारी कोशिश करके देख चुका हूँ। सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप रोइए मत, आप अपने भाई के पास जाइए। उसके पास बहुत कम समय बचा है। प्लीज रोइए मत, आप जाइए। विपिन, मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुझे। तू टेंशन ना ले, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। मैं हूं ना विपिन।
रो क्यों रहा है? मैं मर रहा हूं तो क्या हुआ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। चल अब चुप हो जा। यानी कि तू जानता था कि तुझे ब्लड कैंसर है? हाँ। लेकिन यार तू हेमा से शादी के लिए इतना खुश था कि मैं तुझे ये सब बताकर तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता था। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? जो चीज मेरे दिल के करीब होती है आप उसे ही क्यों छीन लेते हैं? आपका कोई हक नहीं है मेरी दोस्त की जान लेने का। प्लीज भगवान ऐसा मत करो मेरे दोस्त के साथ। अब चुप हो जा भाई। हेमा, तुमने कहा था ना कि मेरी मौत तड़प तड़प कर हो, तो आज देखो मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं। भाई हाथ दे अपना, तुम भी हाथ दो अपना हेमा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। भाई तू हमेशा इसे खुश रखना, और हेमा तुम भी इसका हमेशा ख्याल रखना। भाई विपिन, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, देखिए इसे क्या हो गया।